हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। सर्दियों में गाजर बहुत ही टेस्टी मिलती है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। आप ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि चार सिंपल टिप्स को फॉलो करते हुए हम ये हलवा बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए लेंगे हम 1.5 किलो गाजर, जिसे मैंने वॉश करके ग्रेट कर लिया है। अगर आपकी गाजर में येल्लो पार्ट बीच में ज़्यादा आता है तो उसे निकाल दें, क्योंकि वो पार्ट हार्ड होता है जिसकी वजह से हमारे गाजर के हलवे में टेस्ट नहीं आएगा। 5 से 6 छोटी इलायची लेंगे, जिसे तोड़कर इसके बीज हम निकाल लेंगे और उसे कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे छिलके के साथ भी हलवे में डाल सकते हैं और बिना छिलके के भी। 1 कप हम चीनी लेंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी लेंगे, अगर आपका घी पिघला हुआ है तो 4 टेबलस्पून लें। 2 ग्लास हम दूध लेंगे। वैसे गाजर के हलवे में जितना रेशो हमारा गाजर का होता है उतना ही हम दूध डालते हैं, लेकिन मैं मावा भी डाल रही हूँ तो इसलिए मैं 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ। कुछ लोग सिर्फ दूध डालकर भी हलवा बनाते हैं, मावा नहीं डालते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है हलवा। 250 ग्राम हम मावा लेंगे, इसमें से कुछ मावा हम हलवे में डालेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए रखेंगे। 10 से 12 काजू लेंगे और 10 से 12 ही हम बादाम लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन या पतीला गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे घी। इस तरह चलाकर घी को मेल्ट कर लेंगे और अब उसमें डालेंगे अपनी ग्रेटेड गाजर। दूध और उसी के साथ डालेंगे इलायची, जिसे मैंने कूट कर दरदरा पीस लिया है। इन सबको डालकर एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम पर करेंगे और इसे ढककर 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। बीच बीच में हम लेकिन इसे चलाते भी रहेंगे। आधा घंटा हो गया है हमारे हलवे को पकते हुए, बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी था, ये अभी भी लिक्विड है। इसे अब हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही सुखा लेते हैं, बट अब हम इसे ढकेंगे नहीं और इसमें डालेंगे अपने बादाम, जिसे मैंने हाफ में कट कर लिया इस तरह से, और इसी के साथ डालेंगे काजू, इसे भी मैंने हाफ में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें किशमिश या पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवे में काजू और बादाम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकते हुए हमारे हलवे को 15 मिनट और हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गाजर बहुत अच्छे से गल भी गई है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखना है कि चीनी हमेशा तभी डालनी है जब गाजर अच्छे से गल जाए। अगर गाजर नहीं गली है और हमने चीनी डाल दी है तो गाजर के गलने का प्रोसेस रुक जाएगा और गाजर नहीं गलेगी। अब चीनी डालकर हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और इसे तब तक भून लेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। आधा घंटा हमने गाजर को ढककर पकाया और 15 मिनट हमने ओपन पकाया। हाई फ्लेम पर इसका पानी सुखाएंगे। हलवा बनाते वक्त जो जो टिप मैं आपको दे रही हूँ उसे फॉलो करते हुए आप हलवा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। पहली टिप यही है कि हमें गाजर के बीच का हार्ड पार्ट निकाल कर हलवा बनाना है, नहीं तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। दूसरी टिप है कि गाजर जब अच्छे से गल जाए तभी हम चीनी डालेंगे, नहीं तो गाजर नहीं गलेगी। और 2 टिप और हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये देखिए, पानी इसमें काफ़ी हद तक सूख गया है। कंटिन्यूस चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम इसका पानी सुखा लेंगे, बट अभी भी इसमें पानी है, ये लिक्विड है थोड़ा। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मावा, जिसे हम इस तरह क्रम्बल करके डालेंगे। चाहें तो आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे रोस्ट करके, मावे को अलग से एक पैन में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम मावा मैंने बचा लिया है, वो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। मावा डालने से इसका टेक्सचर और अच्छा हो जाएगा। और अब मावे के साथ हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। अगर आप नॉनस्टिक में बना रहे हैं तो ये नहीं चिपकेगा, अदरवाइज़ अगर आप बिना नॉनस्टिक वाले बर्तन में बना रहे हैं तो उसमें चिपकेगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी फ्लेम रखें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन अभी इसमें मॉइस्चर बहुत है, इसलिए हम अभी भी इसे और भुनेंगे। इस तरह भुनते हुए मुझे और 10 से 15 मिनट हो गए हैं।
लेकिन अब मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो पर कर दी थी, मींस मीडियम पर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है, गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, हमारे हलवे में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें मॉइस्चर होगा, देखने में लगता है पानी नहीं है लेकिन उसमें मॉइस्चर होता है, अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो जब ये ठंडा होगा या थोड़ी देर के बाद पानी इसमें से सेपरेट हो जाएगा, जो हलवे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम जितना हलवे को भुनेंगे उसका कलर उतना ही डार्क होगा और वो उतना ही टेस्टी बनेगा। तीसरी टिप मेरी यही है कि हमें गाजर का हलवा तब तक भुनना है जब तक उसमें से पानी बिल्कुल सूख ना जाए, उसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अगर आप इन तीनों टिप्स को ध्यान में रखते हुए गाजर का हलवा बनाएंगे तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। हमारा गाजर का हलवा तैयार है, ये देखिए। इतना गाजर का हलवा बनने में कम सवा घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, तो हमें पेशेंस के साथ गाजर का हलवा बनाना है तो बहुत टेस्टी बनेगा, और टिप्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगा। और एक लास्ट और चौथी टिप ये है, जब भी आप गाजर के हलवे को सर्व करें तो आप उसके ऊपर मावा क्रश करके या ग्रेट करके डाल कर दें, उससे हलवे का टेस्ट और भी इन्हेंस होता है, वो और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या तो आप उसमें मिक्स करके दें उसी टाइम, या फिर ऊपर से गार्निश करके दें। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसको प्लेटिंग के लिए निकालते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।